चिली पनीर सभी को पसंद होता है। हम अक्सर इसे बाजार से खरीद के लेके आते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ चिली पनीर की बहुत ही सिंपल और आसान से बन जाएगा चटपटा और करारा। आज हम बनाएंगे घर के बेसिक सामान से, तो चलिए बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मम्मी किचन में आपका स्वागत है। चिली पनीर बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे। इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच पानी। इसको मिक्स कर लेंगे। तो हम इसे इसलिए डाल रहे हैं पनीर में अच्छा कलर आ जाएगा। इसको ऐसे ही डालेंगे तो एक ही जगह चिपक जाएगा, ये फैलेगा नहीं पूरे में। ये देखिए, ये पूरा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, इसे मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया है। तो अभी मैं इसमें डाल रही हूँ 2 चम्मच मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। इसमें अब ये पेस्ट मिला देंगे। इसको चम्मच से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। ये जो है, कई लोग क्या करते हैं कि ड्राई मिक्सर बनाते हैं, कई लोग क्या करते हैं कि पकोड़ा जैसा घोल बनाते हैं। उसमें क्या होता है कि मैदा कॉर्नफ्लोर का टेस्ट ज्यादा आता है। इससे क्या होता है कि कोडिंग थोड़ा सा लाइट रहती है, खाने में पनीर ज्यादा टेस्टी लगता है। तो ये तैयार है, चलिए इसको फ्राई करते हैं। एक बर्तन में हम तेल डालेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये पनीर के पीसेस डाल देंगे। बहुत ज़्यादा एक बार नहीं डालेंगे, वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। इनको थोड़ी देर तक फ्राई होने देंगे और बीच में इनको टच नहीं करेंगे, नहीं तो इनकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। इसको पलट कर भी फ्राई कर लेंगे। पनीर एकदम क्रिस्प हो गया है, इसको निकाल लेंगे और इसी तरह बाकी के बचा हुआ पनीर को भी फ्राई कर लूँगे। इसके लिए एक चटपटा मज़ेदार सॉस बनाएंगे। सॉस बनाने के लिए इसी बचे हुए तेल में लेंगे लहसुन अदरक और 1 कटी हुई हरी मिर्च। इनको हम भून लेंगे, कुछ सेकंड के लिए फ्राई करेंगे और ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। अभी सब्जियों के साथ भी फ्राई होंगी। 2 बड़े साइज के प्याज लिए हैं, जिनको मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था। प्याज को 10 से 15 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 बड़ा साइज का शिमला मिर्च लिया है ग्रीन दिखने के लिए, तो इनको यहाँ पर सौटे कर लेते हैं। हमें इन्हें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम यहाँ पर स्टेप में बना रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी कुक होती जाएगी। और वैसे भी इस रेसिपी में जो भी सब्जियाँ हैं वो कच्ची रहनी चाहिए, ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हम डाल देंगे सोया सॉस और विनीगर, इसको भी हम मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच सोया सॉस डाला है, 1 चम्मच विनीगर, 2 बड़े चम्मच टमाटर केचप, इसको मिक्स कर लेंगे। 1/4 चम्मच काली मिर्च और स्वादानुसार नमक, और इसको मिक्स कर लेंगे। सॉस को थोड़ा ग्रेवी देने के लिए, तो सॉस जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो चिली सॉस वगैरह भी डाल सकते हो, तो मुझे तो थोड़ा कम ही तीखा पसंद है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का घोल बनाकर इसमें डाल देंगे। आप देख सकते हैं इसको डालते ही हमारी ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो गई है, तो हमारे सॉस जो है वो बिल्कुल बनके तैयार है। और इसमें डाल देंगे ये पनीर। अगर आप पनीर को क्रिस्प बनाना चाहते हैं तो आप गैस को ऑफ कर दें। जिस टाइम पनीर डालें इसमें बहुत ज़्यादा भुनेंगे तो हमारा पनीर है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और ये देखिएगा, इसको मिक्स कर लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए, चिली पनीर बनकर बिल्कुल तैयार है। मैंने बहुत ही शॉर्टकट रेसिपी बनाकर दिखाई है आपको। तो इसको बारीक कटे हुए हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं। एक बार ये रेसिपी ट्राई करके ज़रूर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से अगर आप पनीर को क्रिस्पी बनाना चाहते हो तो आप ग्रेवी बनाकर पहले से ही तैयार कर लीजिए, और खाते समय तुरंत पनीर मिलाइए। पनीर जो है वो सॉफ्ट नहीं होगा, क्रिस्पी ही रहेगा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।